गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर फुकरे। तो आज है डे 2nd of December और टाइम हुआ है 9:00 कुछ। तो अभी मैं निकला हूँ अकेले इस रोड पे। ठंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो आज है day 6, तो आज हमारा सफ़र हो रहा है समाप्त। इसके बाद हम लोग जाएंगे घर की तरफ। हेलो एंड वेलकम बैक फोक्स, वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ माय विंटर राइड, जब मैं पुंछ की तरफ गया था। तो इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने सारी देख ली हैं तो ये है लास्ट वीडियो मेरे सफ़र की। तो वापस जाते वक्त मैं ये नया रोड, मुझे नहीं पता था कि वापस जाने के लिए एक नया रोड भी है। तो ऐसे ही थोड़े बहुत पूछताछ करने के बाद पता लगा कि एक रोड है जो वापस जाता है, तो थोड़ा व्यू वाला रोड है। तो मैंने सोचा कि गिव इट ए ट्राई। तो जब मैंने किया वहाँ, तो बाई गॉड कसम से मुझे आते वक्त भी वहाँ से आना चाहिए। इतना ज़्यादा व्यू वाला रोड, पूरी तरह मतलब हर जगह से भरा हुआ था। बिल्कुल थोड़ा सा ही रोड था और बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ से। तो आई होप अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आप प्लान बना रहे हैं कभी जाने का ये पुंछ वाली साइड, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। और मुझे तो बहुत सही एक्सपीरियंस रहा, बहुत सही लगा। यहाँ पे इतने ज़्यादा घने पेड़ थे कि जो रोशनी है वो भी पेड़ों के अंदर से पार नहीं आ पा रही थी। पर आपको वीडियो में तो वो वाला व्यू आ नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट कम है, पर जब आप अपनी आँखों से ये व्यू देखोगे ना, तो आपके सारे व्यू, आपने जो भी देखा होगा ना, सब कुछ रह जाएगा पीछे। पर आपको मेरे हिसाब से तो ज़रूर जाना चाहिए, एंड आई होप कि आप ये व्लॉग देखने के बाद ज़रूर जाएंगे। तो इसी के साथ, ये लिटरली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड है जहाँ पे मैंने अभी तक चलाई है। यहाँ पे ओवरटेक भी आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कोई आप चाहोगे तो ऐसे गए तो आपने ज़िगज़ैग कट मारा, ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और पहाड़ियाँ इतनी घनी थी, आप नीचे मतलब ऐसे तो दिखता नहीं है, अगर आप खड़े होकर साइड पे नीचे देखोगे तो इतनी ज़्यादा डीप है, आप हैरान हो जाओगे। ये बिल्कुल इंक्लाइन था, आप बिल्कुल ऊपर जाए जाओगे। तो लिटरली मैंने इस दिन जियो ये वाला दिन था, क्योंकि इस दिन घर थोड़ा सा, क्योंकि शाम को ये रोड काफ़ी डेंजरस हो जाता है जैसे आपको पता ही है, और मैंने फॉग लाइट्स वगैरह नहीं लगाई हैं। तो लिटरली इस दिन मैंने सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक से बीच में मिनिमम एक टॉयलेट ब्रेक और एक चाय ब्रेक ली थी, और उसके बावजूद मैंने पूरे दिन बाइक चलाई हुई है। आप मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना कैपेबल हूँ, पर मैंने लिटरली पूरे दिन बाइक चलाई थी। तो आप सोच नहीं सकते मेरा क्या हाल हुआ होगा, बम पूरी तरह सुन्न हो चुका था और वाइब्रेशन से बुरा हाल हो गया था, कंधा मेरा आ गया, शोल्डर बाइक की वाइब्रेशन से दर्द करता है। पर इस सब के बावजूद भी हमने व्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए, तो आई होप कि आप लोग ये व्लॉग एंजॉय करेंगे और मेरी मेहनत को सहारेंगे। हम जटावाली से आ रहे हैं, जटावाली जम्मू जय जय। ओके भैया, जय हिंद 187। तो आप लोगों को भी ये म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, ओ ये गाना कहाँ पे बज रहा है? तो अभी चेक करते हैं गाना कहाँ बज रहा है। तो और हम कितनी देर के बाद आप लग रहा है टॉप पे पहुंचेंगे। वन मोर टाइम, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है। अगर आप असली आंखों से देखोगे तो इसके जैसा व्यू मैंने आज तक नहीं देखा है। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और वहाँ पे भी पहाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा घर हैं, एंड आई लाइक देम द मोस्ट। और मेरा दूसरा एक्शन कैम वो डेड हो चुका है, अभी यही सिर्फ कैमरा बचा हुआ है। तो यही कैमरा में अब जितनी भी बाकी वीडियोज़ हैं इसी में आएंगी। ओ
The view is incredible. And I want you to be here. तो इसी के साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एंड ऑफ द एपिसोड में आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगी जितनी भी हैं ये पूरा पैकेज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वेलकम टू माय व्लॉग एक्सप्लोरर फुकरे। सो हेयर आई एम। तो इतने दिनों में मुगल रोड, पीर की गली, जितनी भी टॉपी जगह पर गया हूँ उन सब में ये, क्योंकि ये माउंटेन सब बिल्कुल सामने दिख रहे हैं तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा हाइट कवर की है, तो मैं नीचे से बहुत ऊपर आया हूँ और बिल्कुल फ्रंट में ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल व्यू है। अगर आप ध्यान से देखो वो देखो क्या व्यू है नीचे। अगर आपको रुको मैं आके आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखो नीचे की तरफ वैली बनी हुई है, नीचे वैली है, यहाँ पे डैम बन रहा है और इतनी हाइट पे आए हैं हम। जितने भी माउंटेन्स हैं ये सारे के सारे कैमरा में बहुत छोटे दिख रहे हैं पर असली में आप देखोगे इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना ये। हियर आई एम वेरी मच फैसिनेटेड बाय दिस प्लेस। और सूरज बाबा अभी बिल्कुल ऊपर हैं, तब भी देखो पीछे का व्यू देखो, ओहो दिस प्लेस इज। और रात को इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना यहाँ पे कह नहीं सकता। अभी धूप निकली हुई है, ये देखिए धूप निकली हुई है ना, ये निकली हुई है तभी बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस व्यू को देखते रहने का मन करता है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड यू विल सून विजिट देयर। तब तक के लिए ये है जगह, इसका नाम है शास्टांग और ये काफ़ी हाइट पर है पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और आपको आना चाहिए। ठीक है समझ गए। ओके जगह ना, आपको जरूर आना चाहिए अगर आप ये वीडियो देखोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगे और यहाँ जरूर आना। ये रहा वो ब्यूटीफुल व्यू और वो आके देखिए रोड कैसा दिख रहा है, रोड टर्न ले लेके। और ये देखिए सुंदर सा रास्ता। तो अभी दोपहर हुई है और अभी हम जा रहे हैं जम्मू की तरफ। तो जम्मू अभी मे बी 200 किलोमीटर प्लस दूर है पर ये जो नया रास्ता यहाँ से मिल गया था तो इस चक्कर में हम लोग ज़्यादा ही अंदर चले गए। और ये रास्ता पहले तो बहुत अच्छा लगा, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता ये टूटने लगा और ज़्यादा टूटने लगा और ज़्यादा टूटने लगा। आस्ता आस्ता ये पूरा ऑफ रोड बन गया तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ, बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम हो गया पर एज ए एडवेंचर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये रास्ता आस्ता आस्ता नैरो होते होते जब तक हम प्लेन पहुँचे तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। तो जो मेरी राइड 6 घंटे की थी वो कम से कम 8-9 घंटे की बन गई थी पर चलो जो भी है पार्ट है वो मज़ा आया इसके साथ। तो आई होप कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। तो अभी सफ़र बचा हुआ है, जम्मू अभी पास नहीं है, अभी भी जम्मू काफ़ी दूर है। तो अभी भी हम लोग निकले हुए हैं कब से, अब मैंने मिनिमम 2-3 ब्रेक्स ही ली होंगी एंड कंटिन्यूसली बाइक चला रहा हूँ, पानी वगैरह जो है वही चल रहा है। तो आज हम घर पहुँच के ही आपको अपडेट देंगे। तो अभी हम लोग जहाँ पे वेट कर रहे हैं वो इसलिए वेट कर रहे हैं, हमें एक बॉक्स चाहिए जिसमें हम डॉग, मेरे साथ पुंछ से हम लोग एक डॉग लाए थे तो उसके लिए बॉक्स चाहिए था। तो वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि लेट हो रहा था, इस चक्कर में जल्दी जाने की कोशिश की तो कुछ ज़्यादा वीडियो सिर्फ ऑन कैमरा पर बना रहा था खाली बाइक पर बैठ के। तो इस टाइम मैं डॉग लेकर, हमने एक डॉग पुंछ से ले कर पूरे राइड करके उसको जम्मू तक लाया था। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, मैं कहूँगा आप मत करना बिल्कुल भी। तो इसके बाद ये ऑफ रोड आपको पता स्लश जैसा बना हुआ था तो काफ़ी टाइम लग गया इधर भी।
तो आस्ता आस्ता करके शाम हो गई और जो ज़्यादा डेंजरस रोड था वो आया शाम को। पर क्या करते हैं, चलो एज ए नॉर्मल आस्ता आस्ता ड्राइव करके हम लोग आस्ता आस्ता शाम होते होते लगभग घर के पास पहुंच गए हम लोग 8-9 बजे। तो इसी के साथ हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे लगता है जितना एस्टिमेट था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने। तो शाम होते होते कैमरा की विजिबिलिटी बिल्कुल आस्ता आस्ता कम होने लगी, जिस वजह से मैं फिर शाम को वीडियो नहीं बना पाया। तो इसी के साथ फिर मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई। तो मैं काफ़ी लेट पहुंचा था शाम को, और मुझे लगता है 9 बज के थे, सुबह 6 बजे निकले थे हम लोग पूंछ वाली साइड से, तो हम लोग शाम को 9 बजे पहुंचे। तो आस्ता आस्ता कैमरे की लाइट बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, थैंक यू फॉर बींग ए पार्ट ऑफ माई वीडियो। तो अगर आपने यहाँ तक देखी, लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बींग ए पार्ट ऑफ माई वीडियो एंड सपोर्टिंग माई चैनल। बाय बाय। तो अगर आप ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आप भी ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको इंस्पायर कर पाऊँ मैं, तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो यहाँ आना चाहते हैं, जो व्लॉग बनाना चाहते हैं अच्छी जगहों के। और अगर आप नए हैं और आपको ये चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई होप कि फ्यूचर में हम लोग मिल पाएँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।